मेरी जिज्ञासा है कि हम सिद्ध क्षेत्रों की वंदना के समय वहां की शांत वर्गणाओं का कैसे अनुभव करें, कैसे अपने एकाकी स्वरूप का अनुभव करें, गुरुदेव इसका स्पष्टीकरण करें। वहां बैठ करके सबसे पहले तो आपकी श्रद्धा इतनी भरी हुई होना चाहिए, निसंकेत अंग नाम का वहां पूर्णता प्रैक्टिकल होना चाहिए, शब्द और समस्त विकल्पों को छोड़कर शांत चित्त होकर के बैठो और तुम्हारे ज्ञान में वो विषय आना चाहिए जो तुमने शास्त्रों में पढ़ा है। यहाँ भगवान प्रमोशन बैठे थे, मैं कब जब भी ध्यान करता हूँ इस स्थिति पर जाकर भगवान पारसनाथ को पहले मुनि अवस्था में बैठा लेता हूँ, मुनि अवस्था में बैठा करके फिर उनको केवल ज्ञान होता है, उनकी समोषण की रचना होती है, पूरा जो मैंने पढ़ा है वो ध्यान ज्ञान की विषय बना लेता हूँ और ज्ञान की पर्याय बनाकर शांत चित्त होकर बैठ जाता हूँ। भगवान समोषण बैठे हैं, दिव्य धुनी कर रही है, मैं सुन रहा हूँ, मुझे फलानी शंका थी अब समाधान होने ही वाला है। देखो एकदम एकाग्र हो जाओ, प्रश्न लेकर के अपना प्रश्न करके एकदम जैसे एकाग्र हो जाओ उत्तर आने ही वाला है। जैसे आप लोग यहाँ प्रश्न करके टीवी पे सामने बैठ जाते, अब देखो क्या बोलते हैं महाराज, ऐसे ही अपने ध्यान में भगवान के सामने मैंने प्रश्न कर दिया, देखो एक मिनट के लिए शांत हो जाओ भगवान बोलने वाले हैं, तुरंत आपका समाधान हो जाता है। मैंने ये 50 बार किया है बिजोलिया के, क्योंकि अभी तक मुझे कोई केवल ज्ञान स्थली तो किसी भगवान की ओरिजिनल मिली नहीं। 23 भगवानों में अभी तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता ऑन द स्पॉट, ये स्पॉट है जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। मार पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थली का जो स्थान मिला है, मैंने तो इसको मान लिया, सत्य असत्य में भगवान जाने, मेरे पास तो जो कुछ श्रद्धा है, और जब उस स्थान पर मैं बैठता हूँ और जो भी प्रश्न होता है हर प्रश्न का जवाब मुझे भगवान पारसनाथ के समोषण से मिलता है, और मैं तो समोषण में पहुंच जाता हूं सीधा। हमें तो ये कस्तान बार यति संचरत यथेष्टम, एक श्लोक आया है उसमें भक्तांबर में आया ना, चित्रम के मंत्र के पहले, कस्तान बार यति संचरत यथेष्टम संपूर्ण मंडल ससांग कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रि भुवनम तब लंघयंती या संस्था से जगदीश्वर नाथ में एकम कस्तान बार यति संचरत यथेष्टम। हे भगवान आपका भक्त कहाँ किसी कौन रोक सकता है इसे, मैं तो सीधा सड़ाधड़ समोषण में चला जाता हूँ और मेरी चाल इतनी तेज होती है कि वे जो चौकीदार खड़े रहते ना वे वैसे ही घबरा जाते हैं कि भैया ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी दिखता है, तो वो जो टोकते ही नहीं, बोले भाई ये पहुंचा हुआ दिखता है शायद भगवान से इसका डायरेक्ट परिचय है, ये तो ना इधर उधर देख रहा है ना डर रहा है। चौकीदार उसी को रोकते हैं जो डरता फड़ता है, अरे कहाँ जा रहा है, और जो ऐसे जा रहा है जैसे कि इनका घर का जा रहा हो, तो अपन तो ठाट में जाते भगवान के पास जा रहे हैं, ऐसे ठाट से जाके बैठ जाते भगवान सुनाओ मेरा शंका है बंदा हो जाती है। जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ और मेरे मन में कोई संकेत आता है तो मैं अपने ध्यान से बिजोली आ जाता हूँ, हमेशा बिजोली आ जाता हूँ। जब भी मैं अकेला में हूँ कितने दूर हूँ ध्यान करता हूँ बिजोलिया में आकर के, कई बार ऐसा होता है। अभी मैं जब अभी कानपुर एमपी तरफ गया जब आचार्य के दर्शन, उस समय कई बार ऐसे प्रसंग आए ध्यान का, मैं आँख बंद करके बिजोलिया की चट्टान पर पहुंच जाता हूँ और समोषण में बैठता हूँ, 5 मिनट ही नहीं लगते और संदेश मिल जाता है कि कार्य ठीक है या गलत है, दोनों मिलेंगे, समाधान मिलेगा निषेध मिलेगा, कोई ना कोई मिलेंगे। तो ऐसी जब तात्विक संबंधी चिंता होती है तब यहाँ बाकी भगवानों से भी इष्ट देवों से भी जो अपने इष्ट देव होते हैं वो भी बोलते हैं अपना एक टारगेट अपने ऊपर आधारित है। हमने कहा ना भगवान कुछ देते नहीं, लेने वाला चाहिए, लेने की कला चाहिए, मांगना है नहीं देगा वो है नहीं, और अपन को सब कुछ उनका ले लेना है, ये कला मांगना है नहीं देगा वो है नहीं, मैं मांगूंगा नहीं वो कह रहा है मैं दूंगा नहीं, और अपन संकल्प करो मैं बिना मांगे तुमसे लेके रहूंगा, बिना मांगे तुम, वो कहता मैंने नियम किया मैं दूंगा नहीं, लो मैं हाथ पे हाथ रखे बैठ गया। बोले भगवान आप जो कुछ करना है करो, तू मैं मांगूंगा है नहीं तू देगा नहीं और मैं लेके रहूंगा, यही भक्ति का चमत्कार है। तो ये अपने ऊपर होता है, ऐसा सिद्ध क्षेत्र पे जाकर के बैठना चाहिए, ऐसी अनुभूति करना चाहिए।
मैंने तो सम्मेश शिखर की पारसनाक टोंक पर केश लॉन्च करते समय अनुभूति की थी, और दूसरी अनुभूति हुई थी मुझे गिरनार पर नेमिनाथ भगवान के चरणों में 20-22 मिनट तक उन चरणों के पास में बैठा रहा, और बैठ करके जो आनंद की अनुभूति, जो भगनाएँ महसूस की, साक्षात नेमिनाथ भगवान की सिद्धत्व के रूप में दर्शन करता रहा, और मैं उनकी वर्णाओं को लेता रहा।